हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने वीरवार को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का 30% भाग धर्मशाला व 70% देहरा में बनेगा। डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन धर्मशाला में ही बनेगा व मुख्यालय धर्मशाला में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि भारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भवनों वाले स्कूल देहरा में बनेंगे व कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल धर्मशाला में बनेंगे। इसी के साथ शाहपुर में कोई भी भवन नहीं बनेगा। डॉक्टर रोशनलाल शर्मा ने कहा कि 14 जून को देहरा कैंपस के लिए जमीन मिली है, बहुत खुशी की बात है। धर्मशाला में भी जल्द ही जमीन मिल जाएगी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद धर्मशाला की जमीन को भी स्वीकृति मिल जाएगी। डॉक्टर रोशनलाल शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में जमीन पूरी तरह सर्वे रिपोर्ट पर आधारित है, अगर अब रिपोर्ट सही नहीं आई तो अगला विकल्प देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला भूमि को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो निजी भूमि को भी अधिग्रहित किया जाएगा। अगर भूमि मिल जाती है तो सीयू प्रशासन अपनी ओर से सड़क के लिए अलग मास्टर प्लान तैयार करेगा। डॉक्टर रोशनलाल शर्मा ने कहा कि देहरा की भूमि पर भवन नियोजित तरीके से बनेगा, इसकी एवज में शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण को लेकर निर्माण कमेटी से बैठक होगी व कम से कम समय में निर्माण पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरा में कौन कौन से स्कूल चलेंगे इस बारे में भी अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जितने भी अभी हैं वो वहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि देहरा में जितनी भूमि मिलनी थी मिल चुकी है। डॉक्टर रोशनलाल शर्मा ने बताया कि सीयू के निर्माण के लिए 300 हेक्टेयर की जरूरत है। नियमों के अनुसार देहरा में 115 हेक्टेयर में परिसर बनेगा। देखिए, यदि प्रमोट भी किया जाना है, लेट अस सी, हमें प्रमोट करना है, प्रमोट करने की भी बाकायदा एक प्रक्रिया होगी, उसका भी एक आधार बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमने जो आजकल हमारा फोर्थ सेमेस्टर है, ये जब सेकेंड सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में पिछले साल इन्हें प्रमोट किया गया था। प्रमोट करने का आधार क्या था? एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, परंतु 6 महीने तक इनकी टीचिंग हुई है, पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने। और जो हमारी टीचिंग है, टीचिंग के अंदर मात्र टीचिंग नहीं है, उसमें फिर आपकी क्विजिंग भी है, प्रेजेंटेशंस भी हैं, असाइनमेंट वर्क भी है, सारा कुछ चलता है, माइनस एग्जाम सब कुछ है। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक टेम्पलेट था, वो टेम्पलेट क्या था कि पहले 3 महीने और आने वाले 3 महीने, इन दोनों की 2 असेसमेंट्स बच्चों की, जिसको आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हो, सतत जो मूल्यांकन उनका चलता है, उसके आधार पर 2 असेसमेंट्स जो हैं, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे हर कोर्स में, और उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट आगे टेब्यूलेट किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट्स को ये कह दिया कि देखिए साहब हम आपको प्रमोट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि देखिए हम तो अब प्रमोट हो गए और पी वहां लिखा जाएगा। नो, इट्स ऑल मैटर ऑफ यू नो हार्ड टेब्यूलेशन, एवरीथिंग विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, यू नो। तो मार्क्स के आधार पर, वो 2 असेसमेंट्स के बेसिस पर अगर इस तरह के कोई भी फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें महज एक चीज रहती है कि एग्जामिनेशन, जिस तरह से एग्जाम, उसमें भी टेस्ट्स पहले हो चुके हैं, वो सतत मूल्यांकन का एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, परंतु उसमें वो मेजर एग्जाम का जो नोशन है हमारा। अब देखिए, हम एक ऐसी स्थिति के साथ डील कर रहे हैं जिसने सब कुछ डिसरप्ट कर दिया, एक अजब तरह का, एक बहुत ही अजीब तरह का न्यू नॉर्मल है, और इसके अनुसार ढलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले एग्जाम लिए जाते थे, और एग्जाम का एक अल्टीमेटली एक आपको पता है स्ट्रेस आता था, एक प्रेशर आता था, हम उससे बिल्कुल बाहर हैं, उस स्थिति से बिल्कुल बाहर हैं। स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रेस में हैं, वो स्ट्रेस इसलिए क्योंकि अब वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी वेल बीइंग, उनकी वेलनेस, उनकी मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू है। देयरफॉर हमारे काउंसलर्स या हमारे टीचर्स जो हैं, सिर्फ टीचर्स नहीं है, they are all their psychological mentors and counselors as well, you know. हो क्या रहा है, मात्र आपकी जो है वो examination, औपचारिक तौर पर exam नहीं हो रहा है, बाकी मूल्यांकन सतत चल रहा है, इतना फर्क है। हिमाचल प्रदेश 2010 में जो है अपने अस्तित्व में आया था, और ये विश्वविद्यालय लगातार तब से प्रयासरत रहा है कि इसका अपना कैंपस हो, अपनी भूमि हो। तो आप सबको मालूम ही है, 14 जून को हमें देहरा कैंपस में हमारी जो भूमि है उसका जो पोजीशन सर्टिफिकेट है वो मिल गया है। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत संतुष्ट हैं, और इससे आगे का हमारा जो रास्ता है वो तय हो गया है, हमें किस तरह से चलना है आगे। और धर्मशाला में जो जदरांगल की ज़मीन है,
उस पर भी जो मतलब जो कार्य होना है, जिस तरह की जो प्रक्रियाएं होनी हैं, उसमें भी हम जो हैं बिल्कुल एक्टिव हैं। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे होना है, शीघ्रातिशीघ्र हमें सर्वे की रिपोर्ट अगर आ जाती है तो यहाँ पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो रास्ता साफ हो जाएगा। तो आज की जो ये प्रेस वार्ता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप सबके साथ, वो वही सभी विचार जो है आपके साथ साझा करने के लिए भी हैं। उससे मतलब उससे जुड़े, उससे संबद्ध अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है आप जरूर पूछें, और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं उसका भी स्वागत है। हर चीज उसी रिपोर्ट पर आधारित है, उसी उस पर वो डिपेंड करेगी। इसके बारे में इतना कहना चाहूंगा, जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, डेफिनेटली तुरंत उसके बाद भविष्य की क्या रणनीति है वो तय की जाएगी। उसमें सेकंड प्लान, हाँ, सेकंड प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है। हम तुरंत जो है ऑन बोर्ड, हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, और डेफिनेटली क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के ज्वाइंट एफर्ट्स के साथ ही ये सब कुछ संभव होना है, तुरंत ये बात जो है उनके संज्ञान में लाई जाएगी और उसके आधार पर जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यदि ये तय होता है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, उस सूरत में हमें आगे बढ़ना मुश्किल होगा। परंतु उसका ये मतलब कदापि नहीं निकलना चाहिए कि फिर उसके बाद आगे की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल वो संभावनाएं रहेंगी और उसको हम बहुत ही सार्थक तरीके से उस दिशा में अग्रसर होंगे जिसमें प्रदेश सरकार बहुत मतलब पॉजिटिवली जो है वो हमारे साथ है, और बहुत अच्छे से हमारा और केंद्रीय सरकार भी, और एक ऐसा संयोग बना है, ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। खुशी भी है और संतुष्टि भी है कि अब सब लोग ऑन बोर्ड, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो हमारा नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे वो राज्य स्तर पर है और चाहे वो केंद्रीय स्तर पर है, सब लोग एक ही पेज पर है। सब ये जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है दोनों जगह। देखिए, देहरा की भूमि का हस्तांतरण किसी भी स्तर पर उसकी ये इम्प्लीकेशन या वो इन्फ्लुएंस नहीं ली जा सकती है कि वो धर्मशाला में जो काम होना है उसको डिले करने की कोई कवायद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी भी तरह का अगर कोई गलत इंप्रेशन है उसको मैं यहाँ पर डिस्पेल करना चाहूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ जुड़ता हुआ ना रिस्पॉन्स देंगे सर, तब तो मैं आपका आपकी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ सभी मीडिया बंधुओं का। आपने प्रश्न पूछा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से जो टीम आई थी, जो उसने ऑब्जर्वेशन लेट डाउन की है, उन्होंने एक सुझाया है कि अगर इन पैचेज को जो 16 भूखंड हैं उनको अगर हम कंसोलिडेट करें, जो दूरी है उनके बीच में अगर उनको हम एक पैच में कन्वर्ट कर पाएं, तो उसके लिए उन्होंने प्रशासन को एक दिशा निर्देश दिया कि उस पहलू पे विचार करें। अगर उसको एक भूखंड के रूप में, अगर एक पैच ऑफ चंक ऑफ लैंड में उसको परिवर्तित किया जाता है, तो कुछ प्राइवेट लैंड है उसको भी एक्वायर करना पड़ेगा, कंसोलिडेट किया, उसको कंसोलिडेट किया जाएगा। तो इस संबंध में हमारी जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं उनसे मीटिंग हुई थी, उनके संज्ञान में है, और उस लैंड को एक्वायर करना जो है वो पूरा पूर्णतया वो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब उसके ऊपर फैसला प्रदेश सरकार को लेना है। अगर वो एक्वायर नहीं होती तो उसके बावजूद भी अगर बाहर हमें लैंड मिलती है, पर्याप्त भूमि मिलती है, तो धर्मशाला का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। ये भाई ऐसा नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा इसमें आप प्रयास करें, अगर ये भूखंड जो है एक पैच में हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, तो जो प्राइवेट लैंड को भी एक्वायर करें। सर, इसी के साथ उन्होंने वहाँ जो रोड वर्तमान में 6 मीटर चौड़ा है उसको चौड़ाई करने के लिए भी अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई है, तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने उस सड़क का सर्वे किया और उसको चौड़ा करने की कवायद की शुरू, कि अभी तक ये फैसले जो हैं केवल फाइलों तक ही सीमित है? मैं इस संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा जो रोल केंद्रीय विश्वविद्यालय का है भूमि आवंटन में, हमारा रोल है कि हम प्रदेश सरकार को या जिला प्रशासन को या जो यूजर एजेंसी है उसे हम अपना एक मास्टर प्लान देंगे, जो लैंड वो प्रपोज करेगी। जो लैंड इंद्रुनाग में प्रपोज की थी उसके लिए भी हमने मास्टर प्लान दिया, जो जदरांगड़ में प्रपोज की थी उसके लिए भी हम मास्टर प्लान देंगे। ये जो फैसिलिटीज रोड सीवरेज की जो फैसिलिटीज जो तमाम बातें हैं, ये सारी अधिकार क्षेत्र में जिला प्रशासन के या प्रदेश सरकार में हैं। ये जितने भी शख्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से लगी हैं या उन्होंने निर्देश दिया है, इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है
वो प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की ओर से होनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इसमें पूरा जुटा होगा और वो अपने स्तर पर एक्शन ले रहा होगा। इसकी जानकारी जिला प्रशासन से हमें नहीं मिलती, इसकी कंप्लायंस जो है वो जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार की तरफ से होनी है। वर्तमान में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति इस लैंड के हस्तांतरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की गई। मैम ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान में नोडल अधिकारी कौन है और आपकी लास्ट मीटिंग नोडल अधिकारी के साथ कब हुई है ऑफिशियली? पर्सन व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं बल्कि ऑफिशियली मीटिंग नोडल अधिकारी ने इस भूमि हस्तांतरण को लेके कब आपसे आखिरी किया और वर्तमान में चार्ज किसके पास है? इस संबंध में मेरा आपसे कहना है कि जो नोडल अधिकारी प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया था उसका जो मुख्य भूमिका है, जब चाहे वो फॉरेस्ट के लोग हों, पीडब्ल्यूडी के लोग हों या डायरेक्टर हायर एजुकेशन के लोग हों, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। नोडल अधिकारी के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है और नोडल अधिकारी के उसमें ये चार्टर में नहीं है कि वो हमारे से मीटिंग, उसको एक इस तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए सरकार ने ये किया था। वो क्या नाम था उनका, जो रमोत्रा जी थे, हाँ जो SDM धर्मशाला आजकल वो हैं, और पहले रमोत्रा जी थे, पहले वो आज पालनपुर में थे पहले। तो उनका काम उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, जो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल इस भूमि को जो ट्रांसफर करने में है, इसलिए वो नोडल ऑफिसर बनाए गए। जो संबंधित जो कैंपस हैं, खासतौर पर क्योंकि अब देहरा में हो गया है तो जो छात्र हैं